गांव नागपुर में लखपति दीदी महासम्मेलन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक ने की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय नागपुर में राज्य स्तरीय लखपति दीदी महासम्मेलन के उपलक्ष्य में बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक लक्ष्मण नापा ने शिरकत कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लाइव संबोधन सुना। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जा रहा है और समूह को खेती में काम आने वाले ड्रोन पर 80% अनुदान राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने महिला सदस्यों को योजना के प्रति जागरूक करने का अभियान चलाया है। विधायक लक्ष्मण नापा ने कहा कि स्वयं सहायता समूह की सक्रिय महिलाओं ने सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, अंत्योदय व मनरेगा आदि को सुगम रूप से जन जन तक पहुंचाने में सक्रिय भागीदारी रही है। विधायक ने कहा कि नारी शक्ति को समर्थन देना हमारी पहली प्राथमिकता है और हम इसे बढ़ावा देने के लिए समर्थ हैं। उन्होंने कहा कि ये बहनें आजीविका मिशन के पथ का चयन कर सरकार द्वारा समय समय पर दी जा रही विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से अपने व अपने परिवार को सशक्त बनाने हेतु निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखे हुए हैं। लखपति दीदी बनने की ओर वे अग्रसर हैं। इस दौरान विधायक ने स्वयं सहायता समूह की सभी बहनों के लिए गांव में बैठने के लिए जगह उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर रतिया SDM जगदीश चंद्र, नागपुर मंडल अध्यक्ष निर्मल सिंह, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी विकास कुमार लांग्यान, SDO रोमिल, ब्लॉक समिति चेयरमैन गुरप्रीत कौर, सरपंच अनिता रानी, संजीव कंबोज, मांगेराम, ब्लॉक समिति सदस्य रमेश कुमार, गुरनाम सिंह, राकेश कुमार, डॉक्टर हरि सिंह, नरेश टिटू, नक्षत्र सिंह, बलजिंदर सिंह, प्रताप सिहाग, लक्ष्मण बाजीगर, रीटा रानी, संतोष रानी सहित स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं व पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। गांव मड में भाजपा OBC मोर्चा का जिला सम्मेलन हुआ आयोजित। भाजपा OBC मोर्चा द्वारा जिला सम्मेलन बुधवार को नागपुर मंडल के गांव मड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद स्वामी ने भाग लिया। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह रहनवाली ने की। सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद स्वामी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने और सरकार द्वारा OBC समाज के हितों को लेकर जागरूक की जा रही योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए OBC मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद स्वामी ने कहा कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति व वर्ग को सरकारी योजनाओं का सबसे पहले लाभ देकर उसका विकास करना ही वर्तमान केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसान व मजदूर सहित सभी वर्गों के साथ लेकर चलती है, जिस कारण आज देश की जनता भाजपा सरकार के साथ है। इसी जन समर्थन की बदौलत भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है और इसके बाद हरियाणा में भी सरकार बनाएंगे। डॉक्टर स्वामी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों के आंकड़ों को पार कर केंद्र में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। इस अवसर पर OBC मोर्चा के जिला महामंत्री पवन वर्मा, जिला मीडिया प्रभारी सुंदर जांगड़ा, जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र जांगड़ा, जिला उपाध्यक्ष सीताराम जांगड़ा, मक्खन जैया व पटेल सोनी, जिला सचिव रामकिशन गुर्जर, रतिया शहरी मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण जांगड़ा, जिला सचिव सुभाष फुल्ला, मंडल अध्यक्ष डॉक्टर मांगाराम, रतिया ग्रामीण मंडल अध्यक्ष दीन मोहम्मद, मलकीत कुमार, राकेश कुमार, सर्वजीत सिंह, महेंद्र कुमार, आत्माराम, राकेश, अनिल कुमार, डॉक्टर मिल्खराज, मंगत कंबोज, भजन कंबोज, सुभाष, टिंकू, रवि चुग, शेर सिंह, वजीर कुमार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।